तो आपको क्या दिया है, ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, ठीक है। रॉम्बस की आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। रॉम्बस है, इन विच एंगल सी आपको दिया है 60 डिग्री, अच्छी बात है। और आपने क्या निकालना है, ए सी इज टू बी डी निकालना है, ठीक है। ए सी इज टू बी डी, सो लेट मी ड्रॉ रॉम्बस फॉर यू फर्स्ट, ठीक है। आप लोग के लिए मैं एक रॉम्बस बना लूँ, इस तरीके से रॉम्बस है, इस तरीके से रॉम्बस की सारी साइड्स आपको पता होनी चाहिए सेम होती है, ठीक है। इस तरीके का रॉम्बस है, ओके। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसके दोनों डायगनल्स दिए हैं। एज यू ऑल नो द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से डायगनल्स दिए, इस तरीके से, ओके। और ये एंगल 60 दिया, एंगल सी, पूरा एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, द होल, अगर ठीक है, ये दिस होल इज गिवन यू 60 डिग्री, पूरा एंगल है 60 डिग्री। डायग्राम थोड़ा छोटा बना दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम जूम कर लेंगे, ओके। ये जो बीच का पॉइंट है ये ओ दिया। अच्छा, व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ, अब आपको ए सी इज टू बी डी निकालना है। ए सी मतलब, ए सी इज टू बी डी मतलब डायगनल्स का रेशियो पूछ रहा है आपसे यार, ठीक है। एनीबडी, कोई कर सकता है इफ यू नो द प्रॉपर्टी, ओके। चलो आप एक काम करो, अच्छा सी, कुछ प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो सी, ऑल द साइड्स विल गोइंग टू बी सेम, ठीक है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। डायगनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और डायगनल्स अगर बाइसेक्ट, ठीक है, कर रहे हैं तो सी, दिस एंगल विल बी 30, दिस एंगल विल बी 30, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं वो भी 60, तो ये पूरा 60 होगा, दिस विल बी 30, दिस विल बी 30, ठीक है। इफ इफ दिस इज 30, दिस इज 90, सो दिस विल गोइंग टू बी, ट्राइंगल ही है, ठीक है। सो 90 30 120, दिस विल गोइंग टू बी 60, होल 120 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, सारे एंगल्स आपको पता है, ठीक है। बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट, ओके। एंड यू शुड नो दिस आल्सो कि ये जो साइड होगी ये साइड सेम होगी, ये जो साइड होगी ये साइड सेम होगी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलो, बहुत बच्चे बोल रहे हैं 1:2 बोल रहे हैं, कोई कह रहा है √3:1, ठीक है, कोई कह रहा है 1:2 इज रॉन्ग, ईशान कह रहा है √3:1, ओके। इसमें थोड़ा सा यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, आई डोंट नो आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है नहीं आती, बट देर इज अ रूल, देर इज अ रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन इट, ठीक है। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, लेट मी ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल, आप समझ जाना बस, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ओके। ये चार यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, अब मैं हाईलाइट कैसे करूँ, ओके, इट इज़ नॉट शोइंग राइट नाउ द टूल्स, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक एक को हाईलाइट, ओके, मैं कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ, सपोज ये वाला, ठीक है। मैं किसी को भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, सपोज, क्योंकि सब एक जैसे ही हैं, ओके, तो मैं आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँगा, ओके, इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, इफ दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए है जो हमने लिया है, ठीक है, ओके। ये जो ऊपर का एंगल है दिस इज 30 डिग्री, ओके, ये एक्स है जो हमें चाहिए, ओके ओके। अब आपको ये तो पता होना चाहिए सी, अब और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये एक्स हमें चाहिए, ये ए हमें देखा इन टर्म्स ऑफ, तो हमें जो रिलेशन चाहिए, ठीक है। चलो मैं अब डिस्कस नहीं करना था, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ दिस पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, दिस इज़ फॉर साइन थीटा, दिस इज़ फॉर कॉस थीटा, एंड दिस इज़ फॉर टैन थीटा, हम पी अपॉन एच, ओके, हैव यू, आपने कभी पढ़ा है? आई थिंक दिस इज फ्रॉम, आई थिंक ये 8th क्लास से है, दिस विल नॉट गेट इन योर आरएमसी एग्जाम, ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, संजय कुमार पटेल कह रहे हैं सर नो, अर्णव गर्ग कह रहे हैं सर यस, दिमाग से ऊपर, श्लोक पालनदीप सिंह दिमाग से ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये दिमाग से ऊपर जा रहा है तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सी हम लोग लेंगे ये ला एंगल, तो ये जो एक्स है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो आप, मैं एक बार देख लेता हूँ, साइन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए यहाँ से आ जाएगा। ओके ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3, सो दिस विल गोइंग टू कम √3/2 इज इक्वल टू एक्स बाई ए। ओके तो यहाँ से x कितना जाएगा, √3 इंटू ए बाई टू। एक्स का मतलब क्या है, x ये है ठीक है, x इज दिस, मतलब AC, AC तो ये AC का हाफ है ना, कोई बात नहीं, दिस इज नथिंग बट AC/2। ओके तो ये AC आ गया, AC/2 इज इक्वल टू इतना आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल जाएगा, AC कितना जाएगा, AC विल बी नथिंग बट √3। ओके अगर AC √3 है, अब आपको क्या निकालना है, आप निकालो ठीक है, आप निकालो BD। ओके BD, अच्छा आप एंगल्स देख सकते हैं। ओके अगर ये आ गया √3, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ठीक है। अगर ये आ गया सी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपके आपका एक्स कितना आ गया है, √3/2 ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ये भी आ जाएगा नीचे का बेस ठीक है, बेस। ओके ये अगर बी है, ये ओ है, तो ओ बी भी आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से दिस विल गोइंग टू कम ए ठीक है, ये ए आएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर ए सी ये आया है तो बी डी विल गोइंग टू कम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ए ठीक है। और ए सी इज टू बी डी आपने निकालना है, तो ए सी अपॉन बी डी विल गोइंग टू गिव यू √3। अच्छा ओ बी आए, ओ डी आएगा ठीक है, ओ बी सॉरी, ओ बी विल गोइंग टू कम ए ठीक है। और यहाँ से, अच्छा नहीं सही सही कर रहे थे हम लोग ठीक है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ए सी कितना आ गया √3 ए ना, तो यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बी डी आ जाएगा ए ठीक है। तो ये √3 ए अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, तो ए सी इज टू बी डी कितना आ जाएगा, √3:1 ठीक है। ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम समझा लेता हूँ बस आपको मैं, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम देखो, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि हमारा ये जो बी डी है वो ए कैसा आएगा, दिस विल कम टू नो, बस आप पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान देना सिर्फ ठीक है। लास्ट आपको बस पाइथागोरस थ्योरम समझा रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा है दिस इज नॉट ऑफ योर लेवल। ओके फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। ओके इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये है ए। ओके सो √3:1 इज द आंसर। ओके √3:1 इज द आंसर। चलो तो इसमें ये ए है ओके और ये बी, हमें ओ बी निकालना है, और ये हमने लिया था एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, एक्स की वैल्यू आई थी √3 a/2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सो दिस विल गोइंग टू कम ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर √3 ए का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको आप मान लो वाई, सपोज हमें वाई निकालना है, प्लस वाई स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, सो दिस विल गोइंग टू कम वाई स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू, ओके √3 मतलब ये हो जाएगा 3a² / 4। ओके तो इस तरीके से लेंगे, वाई स्क्वायर विल बी a² - 3a² / 4 ठीक है। सो वाई स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 4a² - 3a² / 4, और वाई विल बी इज इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा, जो वाई स्क्वायर विल बी हाउ मच, दिस विल बी a² / 4 ओके, और वाई विल बी a/2, तो वाई अगर ओ बी a/2 है तो कंप्लीट, ये तो हाफ हो गया, ओ बी इज नथिंग बट हाफ ऑफ डायगनल ठीक है, तो पूरा डायगनल कितना आ जाएगा, इसलिए मैंने ए लिया था, देखो पूरा डायगनल, बी डी, बी डी कितना आया था ए ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन हाफ आ रहा है,
इतना पोर्शन इज कमिंग हाफ ऑफ ए, इतना पोर्शन अगर ए बाई टू है, इफ दिस पोर्शन, बहुत तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको सिर्फ पाइथागोरस, ये अगर ए बाई टू है तो होल पोर्शन, क्योंकि इट इज अ बाइसेक्टर, सो बी डी विल बी ए, ठीक है? तो आपको क्या निकालना है, ए सी इज टू बी डी, सो रूट थ्री इज टू वन इज द राइट आंसर।